तो जो घर में क्रैक से सब परेशान रहते हैं, इतना खर्चा करके फिर घर में क्रैक्स दिखे, उनको सही करने का तरीका सही से नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, घर की कंस्ट्रक्शन जब हो रही होती है, जब आपका घर बन रहा होता है, निर्माण हो रहा होता है, तभी आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये जो पांच चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये पांच चीज़ें आप घर की कंस्ट्रक्शन में सही तरीके से करोगे तो आपके बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आपके घर में क्रैक्स कभी नहीं आएंगे। ये पांच चीज़ें देख लो, क्या क्या चीज़ें आपको किस जगह पे प्रोवाइड करनी है। अगर ये जगह पे प्रोवाइड करोगे, आपके घर में अगर क्रैक्स, नीचे मिट्टी भी बैठती है, अर्थक्वेक भी आता है, लेकिन ऊपर दीवारों में क्रैक्स आपके कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां हमने बैरियर लगा दिया। और ये पांच बैरियर हैं क्या, वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। क्यों नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन में 20 से 30 लाख रुपए हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ हम प्रोवाइड करते ही करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं। और कब करनी, कैसे करनी है, वो इस वीडियो में आप सीखोगे। सबसे पहली चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फुटिंग अगर आपने प्रॉपर से नहीं दी, मतलब प्रॉपर डेप्थ तक आप नहीं गए, अगर लगा लो आप एक स्टोरी की मंजिली बना रहे हो, एक स्टोरी का घर बना रहे हो, फिर भी आपको 5 से 6 फुट नीचे जाना ही जाना है। मतलब भले आपकी सॉइल अच्छी है, मतलब उसमें हार्ड स्टार्टर है, लेकिन फिर भी 5 से 6 फुट जाना है। अगर काली मिट्टी है, मतलब काली मिट्टी है या पत्थर नहीं है, लूज़ मिट्टी है, तो उस केस में आपको 6 से 7 फुट जाना ही जाना होता है। और फुटिंग आपको प्रॉपर डिज़ाइन करवानी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो फ्लैट फुटिंग नीचे भर देते हैं, मतलब 6 इंच या 7 इंच उसकी भराई कर देंगे, नीचे उससे कॉलम निकाल देंगे, वो सबसे जल्दी फेल होता है कॉलम। तो आपको क्या करना है, ट्रेपोजोइडल फुटिंग जो रहती है, मतलब ऐसे स्लोप होती है चारों तरफ फुटिंग की, वैसी फुटिंग आपको हमेशा प्रोवाइड करनी है और आपको प्रॉपर उसमें ध्यान देना है। अगली चीज़ है जो ये किसके रिलेटेड है, फुटिंग के रिलेटेड ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब हम फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें डेप्थ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, उसका स्टील काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और प्लिंथ बीम, देखो फुटिंग दे दी, ऊपर आपको ग्राउंड बीम या प्लिंथ बीम देने ही होते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, अगर आपने बाई चांस चारों तरफ प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं की है, पानी फुटिंग के अंदर घुसा और आपकी फुटिंग थोड़ी बहुत सेटलमेंट हुई, नीचे बैठी तो थोड़ी बहुत बैठी, तो वो प्लिंथ बीम काउंटर कर लेगा, आपकी दीवारों में वो क्रैक्स नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर वो ज़्यादा बैठ गई, आपने प्लिंथ बीम नहीं दिया, तो आपकी दीवारों में क्रैक्स ही क्रैक्स दिखेंगे। तो आपको अगर अपना घर, मतलब अर्थ की एक सुरक्षित बनाना है या सेटलमेंट नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़े, तो आपको क्या करना है, नीचे प्लिंथ बीम देना है, मतलब फुटिंग होगी हमारी, फिर आपको देना है प्लिंथ बीम। फिर सबसे ज़्यादा क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे दरवाजे पे, अगर आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया और उसमें अच्छा सरिया नहीं प्रोवाइड किया, तो मोस्टली क्रैक्स वहाँ आते हैं। आपने देखा होगा एक इंक्लाइंड क्रैक बढ़ जाएंगे, टेढ़े टेढ़े एक क्रैक पड़ जाते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो वो मोस्टली इसी वजह से होता है, क्योंकि नीचे आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया है और जो लोड पड़ेगा दीवार पर, दरवाजे पर, तो वहाँ से सेटलमेंट हो जाती है और वहाँ क्रैक देखने को मिलते हैं। तो हम लिंटल इसलिए प्रोवाइड करते हैं, और सामने आप देख रहे भी हो लिंटल का आपको लेवल दिख रहा है। लिंटल हमारा बेसिकली कई जगह आपका 2400 पे प्रोवाइड किया जाता है, 2400 mm पे, और कई जगह आपका आपने देखा होगा 2300 भी पे प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आप 2400 पे रखो, हमारा जो स्टैंडर्ड हाइट है दरवाजे की, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मतलब पूरे में आपको क्या करना है, एक ही लेवल पे लिंटल आपका घूमना चाहिए, कि बाद में क्या होता है, मतलब लिंटल काम एक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर रहा है, दूसरा वो जो क्रैक्स होते हैं नीचे, सेटलमेंट क्रैक्स आएंगे जहाँ नीचे आपका प्लिंथ बैठ गया, तो ऊपर नीचे की दीवार में तो क्रैक आ गया, लेकिन वो क्रैक ऊपर तक ना पहुँचे, उसको भी जो लिंटल बीम होता है वो रेजिस्ट करता है। और अगर हम सरिये की बात करें, तो सरिया आपको जो रखना है, तो वो आपको रखना है नीचे में, आपको बॉटम बार आपको 3 नग कर देने हैं, 12 डाया का 3 नग बॉटम में आएगा और टॉप में आएगा 2 नग आपका 12 का। तो ये आपने स्टील प्रोवाइड करना है। अगर आपको ऐसे पॉसिबल है तो नीचे 2 16 का डाल दो और 2 ऊपर 12 का आपका सरिया आ जाएगा। और जो स्पेसिंग रखोगे आप स्टीरअप की, वो 150x150 की रखो, और उसमें जो रिंग आपको स्टीरअप यूज़ करना है, वो 8 डाया का रिंग आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ये हो गया हमारा लिंटल का, हाइट उसकी हो गई, क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितनी हाइट पे प्रोवाइड करना है, ये हो गया क्लियर आपको। अभी हम बढ़ते हैं सिल लेवल। जो सिल लेवल क्या है, सिल लेवल होता है हमारा जो भी, मतलब FFL लेवल है हमारा, फिनिश फ्लोर लेवल, जहाँ आपकी टाइलिंग होगी, वहाँ से लेके जो विंडो का बॉटम पोर्शन होगा, उस चीज़ को हम सिल लेवल बोलते हैं। और जो सिल लेवल हम प्रोवाइड
मतलब घर कंस्ट्रक्शन में भी उधर भी की होता है, तो उसका आप कितना हाइट रख सकते हो, तो सिल लेवल का आपको 3 फीट या हम 900 mm या 1 मीटर तक हम उसका सिल लेवल का लेवल रख सकते हैं। उसी के ऊपर हमारा एक बैंड आ जाएगा कंक्रीट का, उसके ऊपर हमारा जो भी कोटा स्टोन लगेगा या ग्रेनाइट लगेगा उसके ऊपर हमारा विंडो आ जाएगा। और जो सामने आप देख रहे भी हो, एक लेवल पे आपको दिख रहा है कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, फिर ब्रिक वर्क दिख रहा है, फिर ऊपर कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, मतलब बीम दिख रहा है। तो जो नीचे वाला बीम है वो हमारा है सिल लेवल पे बीम प्रोवाइड किया है, और जो ऊपर का ऊपर है वो हमारा लिंटल बीम है और लिंटल लेवल पे हमने प्रोवाइड किया है। नीचे वाला हमारा 1 मीटर पे है, दूसरा हमारा 2400 हाइट पे है। ये हो गया लिंटल और उसका भी। अब हम बढ़ते हैं पार्टीशन वाल और मेन वॉल जो हमारी। तो पार्टीशन वॉल आपको कितनी रखनी है, हमेशा आपकी जो 4 इंच पार्टीशन वॉल होती है वो काफ़ी होती है, लेकिन जब भी आप पार्टीशन वॉल प्रोवाइड करवाओ उसमें आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करवा देने हैं। एक तो आपको सिल लेवल पे भी प्रोवाइड करवा देने हैं, और दूसरा आपका जो लिंटल लेवल पे आएगा वहाँ पे आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड देना है। और कंक्रीट बैंड क्या हो गया हमारा, एक कंक्रीट की लेयर डाली जाती है 4 इंच की, इसमें मैंने वीडियो भी डलाई थी, एक 4 इंच की लेयर आपको डला देनी है, हाइट 4 इंच रहेगी और जो मतलब उसकी पार्टीशन की जितनी विड्थ है, मतलब अगर 4 इंच या 5 इंच है तो उतना वो उसका रहेगा। और जो सरिया इसमें आप डालोगे, 2 सरिया आपको डाल देने हैं 12 का, और यू शेप आपको उसके स्टीरअप डाल देने हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो यहाँ यू शेप स्टीरअप है, और 2 सरिया 12 का इसमें डाल दिया। ये हमारा हो गया हमारा किसका, पार्टीशन वाल का। फिर हम बात करते हैं जो हमारी मेन वाल रहेगी, वो आपको 9 इंच की रखनी है। 9 इंच की आपकी ब्रिक पे डिपेंड है, ब्रिक थोड़ी छोटी बड़ी भी होती है, लेकिन 9 इंच आपकी दीवार बनाई जाएगी, तो उसमें आपको 9 इंच प्रोवाइड करनी है। उसमें भी आपको 1 मीटर के लेवल पे जहाँ सिल लेवल आता है वहाँ कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर देना है, और फिर 2400 पे हमारा लिंटल आ रहा है। तो जो आपकी घर का घर होगा, मतलब कि चारों तरफ जो आपकी दीवार रहेगी वो 9 इंच की रखो। अगर आप कुछ भी WAC ब्लॉक यूज़ कर रहे हो या फ्लाई एश ब्रिक यूज़ कर रहे हो या रेड ब्रिक कर रहे हो, वो बाहर की दीवार आपकी 9 इंच रहेगी, पार्टीशन वाल आप बाहर 4 या 5 इंच की आपकी कर सकते हो।